नगांव जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बटद्रवा बलात्कार कांड के मुख्य अभियुक्त जाकिर हुसैन को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वही अदालत ने अन्य 5 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। नगांव सत्र न्यायाधीश रीता कौर ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरे राज्य में स्वागत हो रहा है। नगांव जिले के लालुंग गांव की इस जघन्य घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें एक 13 साल की लड़की को गैंग रेप का शिकार होना पड़ा। इस रेप केस में मुख्य अभियुक्त ने लड़की का बलात्कार करने के बाद उसको जिंदा जला दिया था। नाजुक हालत में पीड़िता को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। जाकिर हुसैन के खिलाफ पहले भी चोरी डकैती के मामले दर्ज है। আজি শাস্তি 448 ধারাত এবছর জেল, 201 ধারাত 3 বছর জেল, 5,000 টাকা ফাইন, পোস্কো অ্যাক্টত লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, আর মার্ডার 302 ডেথ সেন্টেন্স। এইটোয় হেৰি কৰিছে। তো এই কেসটোর জাজমেন্ট আছে, এপিল করব, সেটো পিছলে হব। बांग्लादेश सेना के लिए काम करने के संदेह में अगरतला से आजम चौधरी नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स के पास से एक फोटो पहचान पत्र भी मिला है। पुलिस के अनुसार आजम को रामनगर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आजम चौधरी अगरतला में नाम बदलकर राजू चौधरी के नाम से रह रहा था। गुरुवार को कोर्ट में उसकी पेशी की गई। 25 सितंबर तक अदालत ने उसे अंतरिम जमानत दी है। पुलिस ने उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। टुडे राजू चौधरी 121% प्रोड्यूस बाय द वेस्ट आउटलेट पीएस इन कनेक्शन विद केस नंबर 2018 under section 468, 471, 420, 120B IPC and 4, 3 and 4 of passport entry to India Act. In this case, police prior 5 days police remand, and during investigation, police seized one photocopy of army identity card in the name of Azam Khan, one driving license, one other card, one ATM card and one mobile phone and keypad. मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आइजोल के उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर ए मुथम्मा ने उपायुक्त कार्यालय में ईवीएम और वीवीपैट पर मॉक डेमोंस्ट्रेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर आइजोल के उपायुक्त डॉक्टर ए मुथम्मा ने कहा कि मॉक डेमोंस्ट्रेशन से जनता को ईवीएम और वीवीपैट को अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों और स्टाफ से मॉक डेमोंस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा मिजो जनता से ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा करके वोट डालने की अपील की। गुरुवार को नागालैंड की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 32वें वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नागालैंड के सदस्यों से रेड क्रॉस सोसाइटी के 7 सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। साथ ही इन सदस्यों को प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मदद करने के लिए खुद को तैयार रखने को प्रोत्साहित किया। कोहिमा के रेड क्रॉस कॉम्प्लेक्स में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इधर नागालैंड के मुख्यमंत्री तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नागालैंड के उपाध्यक्ष नेफ्यूरियो ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता के हित में काम करती आई है। We are part of the international society. We are very proud. Nagaland is a small state. At present, we are in distress. Our many districts are in natural calamity, floods have come over there. So this is the right time for our society. Continuously working in the service of humanity,
serving our state of Nagaland and outside. In continuing membership drives, extending help to the needy, conducting blood donation camps, motivation campaigns, first aid training and workshops. Indian Red Cross Nagaland chapter has proved that they are second to none when it comes to serving the people.